उनके अपना केस खराब करते हैं सालम लेने के लिए कि हमने पहले हिंदू इंडिया को गाली देंगे इंडिया पुलिस केस बनेगा तो क्या देखो मेरे पास केस बन गया या चलाकी करते हैं दूसरा गुरुद्वारों से पैसे खाने उन्होंने या खालिस्तान का नाम लेके ये सिखों को बड़ी जुल्म हो रहा है भाई तुम हो रहा है तो तुम आओ यहाँ पार्टी बनाओ एक कि हमने खालिस्तान पार्टी बना ली है फिर देखो जूते पड़ते हैं या वोट पड़ते हैं आपको है जी तुम आके यहाँ ये तो डेमोक्रेसी है ओपन है जो मर्जी बनाओ मैं लड़ता हूँ उनके साथ पहले तो उनको सरदारों को बोलता हूँ कि तुम्हें तो अपनी हिस्ट्री पता है तो हिंदुओं से तो आयो तुम्हारे जो रूट्स हैं वो कहाँ से हैं आसमान से हैं हिंदुओं से निकले हो ना गुरु नानक भी तो हिंदू था गुरु गोविंद सिंह भी गोविंद राय था उनका नाम खालसा उन्होंने बनाया क्यों बनाया तुम तो पहले देख सारे हिंदुस्तान में हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं तुम तो वीजा मांगोगे फिर कि मैंने पटना जाना मुझे वीज़ा दो हैं जी मैंने हजूर साहब जाना है मुझे जा मैंने नदेड़ जाना है गुरु गोबिंद सिंह मुझे वीजा चाहिए बट पागल आदमी तुम्हारे गुरुओं की वो धरती है तुम काटना चाहते हो आगे तो देखो क्या हुआ पाकिस्तान ने बनाया धर्म के नाम पे उसका हाल देख लो खालिस्तान को लेकर बहुत मुखर रहे हैं आप खालिस्तान आपको नहीं लगता कि देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और एक इसके साथ ये भी सवाल है कि ब्रिटेन में इतने सांसद हैं जो कि खालिस्तान का समर्थन करते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि आपको मैंने पहले बोला है कि ये हिंदुस्तान की तरक्की को कोडर करते हैं हेम्पर करते हैं कि बदनामी करने के लिए इंडिया को क्योंकि उनके पास तो वो चीज़ है नहीं जो इंडिया के पास है कहाँ पहुँच गया इंडिया इकोनॉमिकली पावर भा गया अरे छोटा का देश थोड़ी है इंडिया इनकी तरक्की जितनी है इनकी इकॉनमी अच्छा ये जो है ना डिवाइड रूल के किंग हैं यस तो ये जो बेवकूफ़ लोगों को देते हैं ताकि इंडिया की मैं लड़ता हूँ उनके साथ पहले तो उनको सरदारों को बोलता हूँ कि तुम्हें तो अपनी हिस्ट्री पता है तो हिंदुओं से तुम तो आयो तुम्हारे जो रूट्स हैं वो कहाँ से हैं आसमान से हैं हिंदुओं से निकले हो ना गुरु नानक भी तो हिंदू था गुरु गोविंद सिंह भी गोविंद राय था उनका नाम खालसा उन्होंने बनाया क्यों बनाया तुम पहले देखो है जी हमारा जो गुरबानी है हिंदुओं की गुरबानी है क्योंकि इंटरफेस पे बनाया यूनाइट करने के लिए हो हमें डिवाइड करने के लिए तुम डिवाइड करना चाहते हो गुरुओं ने तो यूनाइट करने के लिए एक धर्म बनाया था कि सारे थोड़ा उसमें मुस्लिम टीचिंग भी है सिख टीचिंग भी है हिंदू तो मैक्सिमम है ना तो तुम यूनाइट हो जाओ अच्छा जब सिखों ने गुरु गोबिंद सिंह ने ब्रदरहुड खालसा बनाया ब्रदर से पाँच प्यारे थे एक आया था उड़ीसा से एक आया था गुजरात से एक आया था यूपी से एक आया था कर्नाटका से एक आया था पंजाब से ये इसका मतलब है कि सारा हिंदुस्तान एक है तो सारे सिख जो हैं सिख उनके जो डीएनए है हैं वो सारे भारत के हैं यस तो इसलिए उनको मैं बोलता हूँ सारे हिंदुस्तान में हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं तो वीज़ा मांगोगे फिर कि मैंने पटना जाना है मुझे वीज़ा दो हैं जी मैंने हजूर साहब जाना है मुझे जा मैंने नदेड़ जाना है गुरु गोबिंद से मुझे वीजा चाहिए भाई पागल आदमी भाई तुम्हारे गुरुओं की वो धरती है तुम काटना चाहते हो आगे तो देखो क्या हुआ पाकिस्तान ने बनाया धर्म के नाम पे उसका हाल देख लो यहाँ भी हो आपस में लड़ोगे हैं जी धर्म के नाम पर बनाया और वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया अच्छा उसके बाद जब आप अकेले हो जाओगे अभी तो भारत इतना पैसा लगाता है सिक्योरिटी पे टू स्टॉप द ड्रग्स कमिंग टू पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान इन टू पंजाब कितना वो वो तो जब पता लगे इंडिया खत्म हो गया मिलिट्री इंडिया की चलेगी बॉर्डर से hmm. वो तो आ जाएंगे अंदर ड्रग hmm. कैपिटल करे सारे सरदारों को नशे में खत्म कर देंगे वो ऐसे फेंकना शुरू कर देंगे फिर, hmm. पियो. तो इनको पता नहीं वो टेररिस्ट आ जाएंगे उनको तो कश्मीर के लिए वो यूज कर रहे हैं इनको खालिस्तानियों को hmm. है जी इनको अकल hmm. नहीं है लेकिन ये हर जगह झंडे लेके पहुंच जाते हैं हमने देखा ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ये सब होता है और खालिस्तान को लेकर जो बातें उठती हैं और हमने देखा भी है कि आपने संसद में कई बार इसको लेकर कहा बोला है कई तो भैया जान के अपना केस ख़राब करते हैं असायलम लेने के लिए कि हमने पहले हिंदू इंडिया को गाली देंगे और इंडिया पुलिस केस बनेगा तो कहीं देखो मेरे पास केस बन गए या चलाकी करते हैं दूसरा गुरुद्वारों से पैसे खाने उन्होंने या खालिस्तान का नाम लेकर ये सिखों को बड़ी जुल्म हो रहा है भाई तुम हो रहा है तो तुम आओ यहाँ पार्टी बनाओ एक कि हमने खालिस्तान पार्टी बना ली है फिर देखो जूते पड़ते हैं या वोट पड़ते है आपको? हैं आपको है जी तुम आके यहाँ ये तो डेमोक्रेसी है ओपन है जो मर्जी बनाओ जिस मर्जी मुद्दे पे आप लड़ो लोगों को पर आपको बंदूकें चलाने की क्या जरूरत है टेररिस्ट करने की क्या जरूरत है यू तो आपके पास बैलेट बॉक्स लाओ यूज़ करो वो तो भारत को तोड़ने की बात करते हैं तो भारत कभी टूट सकता है अभी वो चाइना ने ट्राई की है पाकिस्तान ने चार युद्ध किए इनके पास क्या टैंक है इनके पास पाकिस्तान को तो अमेरिका देता था सपोर्ट लेटेस्ट वेपन लेटेस्ट टैंक लेटेस्ट प्लेन वो हार गए जूते खा के गए लेकिन एक चीज़ हमने जो देखी है वो ये कि जब हालिया यात्रा थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तो उस दौरान जब वो यहाँ से गए तो जे का मुद्दा हो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बात हो बड़े सांसद जिस तरीके से बोलते हैं उन उन्हें ऐसा लगता है कि सारी कमियां भारत में ही है दिखती हैं भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है एक ख़ास वर्ग को टारगेट किया जाता है छुटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं लेकिन इस तरीके से भारत को टारगेट क्यों करते हैं लोग देखो सबसे पहले तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखो जो बाबा अम्बेडकर ने बनाया है हर आदमी बराबर है औरतें भी बराबर हैं उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है ना गवर्नमेंट जो बोलती है आज हमारे आदिवासी प्रेजिडेंट हैं इससे बड़ा रुतबा किसको मिल सकता है नंबर वन हेड ऑफ स्टेट हमारी वो महिला हैं जो कहाँ से शुरू किया उन्होंने लाइफ या सो एवरी बॉडी इज़ इक्वल एवरी बॉडी इज इक्वल बाई कॉन्स्टिट्यूशन देर आर लॉज यहाँ कानून हैं अगर आप कोई कह दो को मुझे मुसलमान करके इसने नौकरी नहीं दी या मुझे नफरत किया आपके कानून आप उसको अंदर करा सकते हो खैर बस लेकिन मुट्ठी पर बंदे अगर इतनी बड़ी कंट्री है एक फैमिली में झगड़ा होता रहता है तो बाइंड इसको तो इग्नोर करो बड़ी पिक्चर देखो हज़ारों साल से यहाँ हर धर्म हर हर धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं हर रिलीजन के क्या बोलते हैं कल्चर लैंग्वेजेस नेशनली यहाँ रह रहे हैं